राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख यानी 22 जनवरी का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर कोई रामलला की एक झलक का दीदार करना चाहता है और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस को देश भर के हिंदुओं और राम भक्तों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अफगानिस्तान के काबुल में बाबर के मकबरे पर राहुल गांधी की 2005 की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 2005 में राहुल गांधी समेत गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने अफगानिस्तान में बाबर के मकबरे का दौरा किया था। रामलला से इतनी नफरत क्यों? आप हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हिमंता ने आगे कहा कि कांग्रेस रामलला के सामने नहीं बल्कि बाबर के सामने झुकेगी। बीएसपी ने उन्हें अपने पापों से मुक्ति का आखिरी मौका दिया और वो क्या कांग्रेस की मदद कर सकते थे? वे अपने पापों को कम नहीं करना चाहते। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सभी बाबर के मकबरे पर गए। इसी बीच असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर एक और वायरल बयान सामने आया है। हिमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल ना होना अच्छा है, क्योंकि उनकी उपस्थिति कार्यक्रम को खराब कर देगी। इसके साथ ही शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस भगवान राम और बाबर के बीच हमेशा बाबर को ही चुनेगी, क्योंकि वे बाबर से प्यार करते हैं। गौरतलब है कि सीएम शर्मा इससे पहले भी राम मंदिर न्योते पर इनकार के मद्देनजर कांग्रेस पर कई बार हमला कर चुके हैं। वहीं एक कार्यक्रम में सीएम हिमंता ने कहा कि कांग्रेस राम राज्य को संविधान के खिलाफ बताती है, लेकिन महात्मा गांधी, जिनके नाम का सालों से खाना कांग्रेस खा रही है, वो राम राज्य की बात बोलकर गए थे। मालूम हो कि कांग्रेस ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को चुनावी लाभ के लिए भाजपा आरएसएस की योजना बताया और घोषणा की कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिन्हें आस्था है वे आज या कल मंदिर जा सकते हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में पक्ष विपक्ष के बीच घमासान जारी है।